वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर ट्रेंड्स गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट कर देना अगर आपको कोई और डिटेल्स और कोई और सजेशन है। एंड इस वीडियो में गाइस मैं आपसे मेकअप प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो आप तीन तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको आप फाउंडेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कंसीलर एंड मेकअप बेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ओलिविया का पैनकेक। एंड ये सेकेंड प्रोडक्ट है ओलिविया का पैन स्टिक जो बहुत ही बजट में है एंड ईजी टू यूज़ है, ड्राई एंड ऑयली स्किन दोनों को आप यूज कर सकते हैं एंड बहुत अच्छा फिनिश देता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज आज के वीडियो में आपको ओलिविया पैन स्टिक के बारे में रिव्यू करने वाली हूँ। गाइज मैंने इसका एक और पार्ट कर रखा है ओलिविया पैनकेक के बारे में, तो पैनकेक जरूर देखिए। उसको भी आप तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन, कंसीलर एंड बेस मेकअप। सो डेफिनेटली उसको भी चेकआउट करिए। एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे गाइज, ओलिविया में हर तरीके के शेड्स अवेलेबल हैं। तो मेरा शेड 02 है एंड आप ये देख सकते हैं 02 शेड है। एंड गाइज ओलिविया के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे, मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रखी है ओलिविया की। सो आप डेफिनेटली ट्राई करिए गाइज। एंड मैं अभी इस वीडियो में तीन चीज़ें ऑलरेडी कर चुकी हूँ, फेस वॉश, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। तो आप तीन चीज़ें ज़रूर कर लीजिए एंड मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाइए गाइज। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अच्छे से इसको मॉइस्चराइज कर लीजिए अपनी स्किन को। एंड नॉर्मल एंड ऑयली स्किन है तो आप मॉइस्चर लाइट भी कर सकते हैं, बट मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है गाइज। ओलिविया के पैनकेक एंड पैन स्टिक दोनों यूज़ करने के टाइम आपको मॉइस्चराइज करना ही है अपनी स्किन को। देन आप ये देख सकते हैं गाइज, मैं इसका आपको स्टिक दिखा रही हूँ कि कैसा है। एंड गाइज इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप इसको बहुत लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें ये रोल करने का है तो आप रोल करेंगे इसमें एंड वो स्टिक बाहर आ जाएगी। एंड ओलिविया के गाइज बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आप ये देख सकते हैं। थोड़ा रोल ऑन करना पड़ता है एंड प्रोडक्ट आपका बाहर आ जाता है। एंड आप इजिली इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे एंड कहीं पे भी डार्क सर्कल्स या डार्क पैचेस कुछ भी हो, पिंपल्स मार्क्स हो तो उसको भी इजीली ये हाइड कर सकता है। एंड गाइज अपने डार्क सर्कल्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी स्किन से एक लाइटर टोन वाला शेड ज़रूर लीजिए और वो आप कंसीलर अपने अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए या डार्क पैचेज या डार्क स्पॉट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं उसको। एंड इसमें गाइज बहुत सारी शेड्स अवेलेबल हैं और आपके और इंडियन टोन के लिए बहुत अच्छा है गाइज। ओलिविया प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैंने डेफिनेटली इसको ट्राई किया है तो आपको भी ट्राई करना चाहिए इसको। एंड गाइज का कोई भी वेस्टेज नहीं होता है, मीन्स कोई ट्यूब नहीं है, मीन्स अंदर रह जाए या आप इसको अच्छे से पूरा यूज़ कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक एंड आपकी स्किन में बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाएगा। एंड गाइज इसको भी आपको ब्यूटी ब्लेंडर की तरह ही यूज़ करना है, उसी से ब्लेंड करना है अपने पूरे स्किन पर अच्छे से। एंड गाइज मॉइस्चराइज के 15 मिनट बाद आपको कोई भी मेकअप प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाना होता है, तो मॉइस्चराइज जब आप करते हैं तो उसके 15 मिनट बाद ही कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करिए, मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करिए। सो मेरे को 15-20 मिनट हो चुके हैं, देन मैं ये अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस पे। आप इसको पूरा फेस पे भी लगा सकते हैं, आप इसको फाउंडेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं और कंसीलर के यूज़ कर सकते हैं अपने अंडर आई के लिए, और आप इसको पूरा मेकअप बेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये गाइज इसका एक मेन पॉइंट है, वाटर प्रूफ है एंड लॉन्ग लास्ट भी है गाइज, ये 6-7 घंटे टिक जाएगा आपके स्किन पे एंड नेचुरल लुक भी देगा गाइज। एंड अब विंटर आने लग रहा है तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है एंड क्रीमी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपके स्किन में एंड इसमें बहुत सारे शेड्स है तो आपके शेड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं इसको। एंड गाइज ब्यूटी ब्लेंडर के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से ब्लेंड करिए अपने स्किन पे थोड़े टाइम तक एंड आप ये देख सकते हैं मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। एंड गाइज स्टार्टिंग में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसमें सिर्फ मैंने यही पैन स्टिक ही अपने फेस पे लगा रखा है एंड थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाया हुआ है बस, और मैंने और कुछ मेकअप नहीं किया है क्योंकि मुझे मेकअप करना इतना पसंद नहीं है। बस लाइट मैंने पैनकेक का रिव्यू भी दे रखा है, वो भी बहुत अच्छा है, तो आप डेफिनेटली ट्राई करिए ओलिविया के प्रोडक्ट्स। एंड ये गाइज ये मुझे 99 रुपीज़ का और 90 अप्रॉक्स मिला था। सो आप डेफिनेटली ट्राई करिए, 100 रुपीज़ के अंदर आपको 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी देता है, डेफिनेटली गाइज आपको ट्राई करना चाहिए। एंड ये गर्मी और सर्दी दोनों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बस आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है एंड
गाइज ये 6 से 7 घंटे आपके स्किन पे टिक जाएगा। अच्छे से उसको ब्लेंड करिए ताकि आपके स्किन पे कोई कैके और पैचेस ना पड़े। तो आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आप थोड़ा ड्राई फील हो रहा है तो अपने ब्लेंड जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको थोड़ा वेट कर लीजिए, गीला कर लीजिए एंड देन उससे अप्लाई करिए, तो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा आपके स्किन में। सो होप यू गाइज इंजॉयड गाइज, एंड प्लीज़ अगर आपको कोई कमेंट करना है, कोई और सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए मेरे वीडियो के नीचे एंड फॉलो करिए इंस्टाग्राम अकाउंट को। होप यू गाइज इंजॉयड माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।